फ्रेंड आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं यक्सम ब्रोकर का जो 100% ट्रेडबल डिपॉजिट बोनस चल रहा है, जो कि ऑफ़र एकदम ख़त्म होने वाला है बीच बीच में, लेकिन आता रहता है। मैं अपडेट कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले तो जाके ज्वाइन कर लो। आज मैं इसमें ट्रस्ट वैलेट के थ्रू यानी क्रिप्टो के मेथड से डिपॉजिट करके लाइव दिखाने वाला हूँ और सारी चीज़ें इसके नेगेटिव पॉइंट भी बताने वाले। इसे वीडियो में पूरा बने रहना, ज़रा सा भी स्किप मत करना। आप जैसे कि सबसे पहले दिखाते हैं, अभी का टाइम हो रहा है 29 सितंबर 2024 है, रात के 12:30 बज रहे हैं, यानी अभी 30 तारीख को ये ऑफ़र एंड हो जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कर सकते हो, नहीं तो ये महीना दो महीना तीन महीना भी ऑफ़र स्टार्ट होता रहता है, इसमें क्या स्प्रेड हो जाता है। अब चलिए सिंपल सा, सबसे पहले करना क्या, डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया, उसी लिंक के थ्रू आपको ये साइट ओपन करनी है, लॉगिन कर लेना है, समझ रहे हैं। अब लॉगिन करने के बाद सिंपल सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा ये 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अकाउंट कौन बनाना है वो अकाउंट बता देंगे। सिंपल सा माई अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही माय अकाउंट पे क्लिक करो, इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल से ये प्लस बटन दिख रहा है, इस प्लस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इस तरह 3 ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें रियल अकाउंट जो है इस पर हमें क्या क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह आ जाएगा, ऊपर आपको क्या करना है, MT5 सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे क्या है, यही वाला अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट बता दें भाई, ध्यान देना कि स्प्रेड इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि 100% ट्रेडबल बोनस हमें मिलता है, ट्रेडबल, तो ये फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये है, स्कैल्पिंग के लिए ये अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए भाई दूसरा अकाउंट होता है, उस पर कहोगे तो हम वीडियो बना देंगे। बाकी अभी बोनस के लिए अगर लेना है तो यही अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट कर लोगे थोड़ा सा, फिर नीचे यहाँ जाओगे, बाकी कोई अकाउंट नहीं, यही अकाउंट आपको करना है। बाकी लेवरेज जैसे कि 1,100 मैंने कर दिया, बाकी USDT आपको कर देना है। उसके नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीज़ें हैं इंटर हेयर। फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करो, यहाँ पे पार्टनर कोड, तो पार्टनर कोड मेरा आप डाल सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा 72QPH करके है, और उसका सिंपल सा आप नीचे आपको चेक मार कर देना। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे क्या है, कंप्लीट पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद। अब फ्रेंड देखोगे यहाँ पे आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लॉगिन ID MT5 की दे दिया है, और ये सर्वर आपका दे दिया है XM ग्लोबल MT56 जो भी दिया होगा। अब MT5 पे जाकर लॉगिन कर लेना। अगर MT5 पे लॉगिन करना और यूज़ करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, उसको देख के अच्छे से क्या उसको लॉगिन कर लेना है आपको। और उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे गो टू मेंबर एरिया, नहीं एकदम होम पेज पे आपको चले जाना है। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस 0 है, अकाउंट नंबर ये है। अब यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा डिपॉजिट पे क्लिक करना है, क्योंकि अब हम क्रिप्टो मेथड से डिपॉजिट करेंगे, जो वैलेट यूज करेंगे ट्रस्ट वैलेट, कोई भी वैलेट हो सेम ही मेथड से डिपॉजिट किया जाता है। ये नहीं कि मैंने ट्रस्ट वैलेट से किया, आप मेटामास्क या किसी से भी कर रहे हो तो अलग, सेम ही तरीका होता है, चाहे बाइनेंस एक्सचेंज वगैरह सबका मेथड सेम होगा करने का तो। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रस्ट वैलेट का यूज़ करके बताने वाला हूँ, क्योंकि एक बंदे का कमेंट आया था, तो उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या, डिपॉजिट पे हम इस अकाउंट में करना है, तो डिपॉजिट पे हम क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड देखोगे यहाँ पे कई मल्टीपल मेथड हैं यहाँ पे डिपॉजिट करने के, आपको सबसे ऊपर क्रिप्टो करेंसी मिल गई, सेकंड पे बाइनेंस पे है, UPI ID है, ऑनलाइन बैंक है, स्क्रिल है, नेटलर है, स्ट्रो पे है, परफेक्ट मनी, जेटॉन गो है, लोकल बैंक ट्रांसफर, यानी सारे मेथड हैं। बस आप जिस मेथड से करना चाहो कर सकते हो, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं मेथड है वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करूँगा, USDT TRC20 का। अब सिंपल से यहाँ पे सिंपल सा मैं ये ऐसे देखो साइड में क्लिक करने का है, जैसे करोगे अब ये आ गया मेरा, अब सिंपल से इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब फ्रेंड जैसे क्लिक किया, इस तरह नोटिस यहाँ पे सबसे पहले दे दिया, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद जब अच्छे से समझ में आ जाए तो ही चीज़ें आगे करना, तो बाकी मैं तो पढ़ चुका हूँ। अब नीचे जाना, सिंपल सा मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे दिया होगा कि भाई 50 USD करना ही करना पड़ेगा अगर क्रिप्टो मेथड से कर रहे हो, और मैक्सिमम डिपॉजिट 10,000 USDT तक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा नेटवर्क, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे कई ऑप्शंस आ गए, तो सिंपल से यहाँ पे जो USDT वाला है इस पर हम क्लिक कर देंगे, USDT आ गया। अब कितना डिपॉजिट करना है, तो देखो मैक्सिमम जो 100% ट्रेडबल बोनस मिलता है वो सिर्फ 200 USDT, उसके ऊपर जाओगे तो 50% मिलता है, तो मैं 200 USDT ही करने वाला हूँ यहाँ पे। फ्रेंड यहाँ पे 200 USDT मैंने लिख दिया, बाकी यहाँ पे जो भी चेक मार्क लगाना है यहाँ चेक मार्क लगा के सिंपल सा डिपॉजिट, नीचे डिपॉजिट ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर हमें क्या क्लिक कर देना है। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रूल बता दिया भाई, अगर एनी कोई भी जो भी ब्लॉकचेन है सेम होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे टेथर का TRC20 का ब्लॉकचेन लिया हूँ, तो रेड में लिख दिया BEP20 या HRC20 या ERC20 भी अगर सेंड करोगे लॉस्ट हो, यानी जो भी आपका ब्लॉकचेन हो सेम हो, जैसे जो नेटवर्क आपने सेलेक्ट किया वही पे करना। अब सिंपल सा यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ने का, सिंपल सा यहाँ कन्फर्म बटन है, हम उस पर क्या क्लिक कर देंगे।
फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, जो भी इसका एड्रेस है ओपन होके आ गया। यहाँ पे तीन नेटवर्क दिखा रहे हैं, लेकिन हम जो नेटवर्क पे भाई मेरे पास जिसमें फंड है वो है TRC20 यानी ट्रोन, ट्रोन में USDT पड़ा हुआ है, तो उसी से मैं डिपॉजिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये नहीं कि हमारे पास पड़ा हुआ है ये वाला फंड और हम ये वाला सिलेक्ट करके ये वाला एड्रेस डालेंगे तो सारे फंड लॉस्ट हो जाएंगे। उसका जिम्मेदार ना तो ब्रोकर होगा, ना तो ब्रोकर के पास पहुँचेगा, ना तो आप उसके ज़िम्मेदार हो। इसलिए नेटवर्क ज़रूर मैच करा लें, अगर राउंड ज़रा सा भी हो आपका कोई भी रिफंड वगैरह कुछ हो ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो, इसलिए हमेशा ध्यान दें। तो यहाँ पे ट्रोन वाला मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब देखो इसका एड्रेस वगैरह आ गया, अब एड्रेस ये पे QR कोड भी दे दिया, चाहे तो ये कॉपी इसमें शॉर्ट लेके आप भेज सकते हो, और अदरवाइज यहाँ पे देखो एड्रेस कॉपी भी दिया है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, कॉपी एड्रेस भी कॉपी कर लेंगे और फंड भी कॉपी कर लेंगे। और फंड कहीं से भेजते वक्त ध्यान देना, इतना जितना फंड यहाँ पे लिखा हो इतना ही भेजना। अगर कमीशन एक्स्ट्रा पड़ रहा है जैसे कि उसी में से कट जाता है तो प्लस थोड़ा सा कमीशन बढ़ा के ही भेजना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान। अब यहाँ पे देखो टाइमिंग भी चल रही, इस टाइमिंग के अंदर आपको भेजना ही भेजना, यानी 58 मिनट के अंदर में। तो इस पेज को ऐसे ही रहने देना, कट वगैरह नहीं करना, मिनिमाइज़ कर देना और चलते हैं हम ट्रस्ट वैलेट पर। फ्रेंड देख सकते हो तो मैं अपने ट्रस्ट वैलेट में आ गया हूँ। यहाँ मेरे में फंड जो USDT का टेथर TRC20 का USDT का पड़ा हुआ है फंड, लगभग देख सकते हो यहाँ पे कितना 313 USDT है, 200 में भेजने वाला। तो इस पर सिंपल सा क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा सेंड लिखा हुआ है, सेंड पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो जो एड्रेस था भाई ऊपर, सबसे पहले क्या एड्रेस डाल देना, जैसे ही पेस्ट करूँगा देखो एड्रेस आ गया। एड्रेस एक बार स्टार्टिंग का और लास्ट का ज़रूर मैच करा लें, क्या पता कभी कभी कॉपी नहीं होता है, तो ये चीज़ें ध्यान दे लें। तो यहाँ पर मैंने मैच करा लिया और फंड भाई वो जितना था सेम उसको एक बार देख लेते हैं। अब फंड भी देख सकते हो हमने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे क्या फंड भी ला के पेस्ट कर देंगे। अब फंड इतना हमें भेजना है, अब देख लो यहाँ पे इतना हम भेज रहे हैं, कितना अगले को कितना पहुँचेगा यहाँ पे छोटे में दिखा भी दे रहा है, 0.07 करके ऐसे आसपास, यानी अभी इसमें कमीशन भी कट जाएगा। जैसे वैलेट में यूज़ करते हो तो जिसने ब्लॉकचेन पे होता है उसका क्या है कमीशन भी उससे कटता है, यानी TRX मेरे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल से हम कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद अभी सारी चीज़ें पूरा डिटेल दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पे वॉलेट में भेजने से यही फ़ायदा रहता है, जो कमीशन होता है वो अलग से कट जाता है। जैसे मेरे पास कमीशन जो कट रहा है वो 27 TRX यानी $4.50 के आसपास कमीशन एक्स्ट्रा वो काट लेगा, और बाकी जितना फंड में भेज रहा हूँ उतना ही जाएगा। टोटल 204 पड़ रहा है और बाकी पहुँचेगा उतना ही, यानी ये कमीशन मिला के 204 बाकी पहुँचेगा इतना ही। तो सिंपल सा कन्फर्म कर देंगे हम यहाँ पे। अब पासवर्ड मैं अपना डाल दे रहा हूँ, अब यहाँ पे वेट करता हूँ। अब देखो ये यहाँ पे सेंड हमने कर दिया, अभी अभी पेंडिंग में है, मुश्किल से जो भी ब्लॉकचेन पे टाइम लगेगा कंफर्मेशन का, इसलिए 1-2 मिनट 1.5 घंटे के अंदर में हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा चलिए वेट करते हैं वहाँ पे, अब पेज ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे तो हो गया काम, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अभी क्या है ब्लॉकचेन का काम है, कितनी देर में वहाँ कन्फर्मेशन होने के बाद पहुँचता है। अब फ्रेंड यहाँ पे आ गए, अब इस पेज को कुछ भी नहीं करना, आप थोड़ा वेट करोगे इजीली रिडायरेक्ट हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा आपका प्रोसेस। अब देखो मेरा ये चीज़ें हो गई, अब इसको वेट करना है, ज़रा सा पेज को आपको कट वगैरह नहीं करना, नहीं तो क्या कन्फर्मेशन ब्रोकर के पास हो नहीं पाता, तो इससे आपका पेमेंट डिपॉजिट होने में डिले हो सकता है, फिर सपोर्ट टीम को मैसेज करो तामझाम हो जाता। अगर पेज नहीं कट करोगे तो ईजिली आपका हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी देर में हो जाता है, 12:44 हो रहे हैं डिपॉजिट के, रात के 12:45 29 सितंबर 2024। फ्रेंड जैसे ही मैंने वेट किया देखो मेरा ऑर्डर क्या कंफर्म हो गया। हमेशा भेजते हो कि ध्यान दें, $1-2 अगर हो सके तो एक्स्ट्रा ही भेजें, जिससे क्या इजीली हो जाए, नहीं तो कभी कोई कुछ कमीशन कट होता है, अगर जितना अमाउंट इसमें रिक्वेस्ट में डाला अगर उससे कम हो तो क्या है रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट में खैर आपका फंड रिफंड हो जाता है। तो खैर मेरा हो गया इंस्टेंट, आप देख सकते हो। अब बैक करके हम होम पेज पर चले जाते हैं, मेरे पास अकाउंट में कितनी देर में क्रेडिट हो जाता है। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो तुरंत ही इंस्टेंट यानी वो सक्सेस हुआ, पेमेंट आ गया, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम हो रहा, थोड़ा वेबसाइट भी मेरा स्लो चल रही है देखो अभी, बट MT5 ओपन करोगे वहाँ पे इजीली तुरंत ही रिफ्लेक्ट शो करने लगेगा। बाकी यहाँ पे भी लॉग आउट करके लॉग इन करोगे इजली शो कर जाएगा। तो चलिए हम MT5 में आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं, पेमेंट आ गया है तुरंत ही। अब फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ये अकाउंट नंबर यहाँ पे मैच करा लो, ये अकाउंट नंबर, ये देखो पेमेंट $200 आ गया, उसका 400 मिल गया, तो इजली आपके सामने रिजल्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हो 400 यानी इक्विटी में 400 हो गए, यानी कहने का मतलब ये जो $200 ये क्रेडिट में दिखा रहा है प्लस दो यानी $400। अब क्या अगर आपका लॉस यानी $400 तक जाएगा, यानी आपके सिर्फ नेगेटिव में ये साथ देता है, बाकी ये पैसे विदड्रॉ नहीं कर सकते, या आपने पैसे भी विदड्रॉ करोगे तो भी जितना पैसे जिस हिसाब से 10% विदड्रॉ किया तो 10% अकॉर्डिंग बोनस में से भी ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। तो इसलिए जब अच्छा प्रॉफिट बना लें उसके बाद ही विदड्रॉ करें। बाकी रही बात स्प्रेड का मैं बता दूँ, अभी तो BTC ही चल रहा है जिस टाइम मैं कर रहा हूँ, सैटरडे यानी रात का संडे के हिसाब से स्टार्ट हो गया, तो देख सकते हो स्प्रेड भाई 9 से 10 pip यानी स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन लोग बोनस के लिए भाई करते हैं, तो मैं लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट बता दिया भाई, स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, बस यही कि डबल बोनस मिल जाता है भाई, रिस्की ट्रेड करना तो उनके लिए सही है, बाकी और मार्केट ओपन है नहीं,
तो बस यही चीज़ें था, इंस्टेंट अभी डिपॉजिट किया और ये भी वो भी सब्सक्राइबर ने कहा था इसलिए मैं डिपॉजिट करके मैं फिर से दिखाया, जो कि मैं मल्टीपल टाइम ये चीज़ें करके दिखा चुका हूँ। अब इस पर मैं क्या करूँगा, रिस्की ट्रेड लूँगा भाई, अब देखो ये बनता है या नहीं, क्योंकि रिस्की ट्रेड करूँगा या तो प्रॉफिट अच्छा होगा या मेरे $200 जाएंगे। तो यही चीज़ें, बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट करना, या कोई भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहीं से करें, अदरवाइज कमेंट के थ्रू कभी भी ना करें। स्कैमर हमेशा एक्टिव होते हैं, अपनी यूज़र आईडी थोड़ा सा मैच करा के एकदम लगेगा हम ही हैं, लेकिन हम ऐसा किसी को भी डायरेक्ट मैसेज नहीं करते, यानी अगर आप मैसेज करोगे तो ही मैसेज मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ें थी, बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।